और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां जबलपुर रीवा राजमार्ग के धनगवा गांव में सोमवार दोपहर तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर कई बार हवा में पलटते हुए बाइक सवारों के ऊपर जा गिरी, जिनमें दो बाइक सवारों की मौत हो गई। कार में सवार 5 लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें की जबलपुर के लिए रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दी है। बताया जाता है कि महगवा ग्राम निवासी सूरज यादव अपने साथी मोनू कॉल के साथ मोटरसाइकिल पर गोशलपुर काम पर जा रहा था। जैसे ही वो धनगवा के पास पहुंचा तो दूसरे तरफ से आ रही कार MPB CC अचानक ही सामने से आ रही तेज रफ्तार से कार MPX 220 CC 1060 अनियंत्रित होकर पलटते हुए दूसरी तरफ से आ रही मोटरसाइकिल सवारों के ऊपर जा गिरी, जिसकी चपेट में आने से सूरज और मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवारों को भी गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कार चालक के साथ सुषमा अग्रवाल, निशा अग्रवाल, नंदिनी अग्रवाल और संजू अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने बमुश्किल घायलों को बाहर निकाला और 108 के माध्यम से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं जानकारी मिलने पर सिहोरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर बाइक सवार दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिहोरा भिजवाया है। हादसा इतना भीषण था कि कार क्षतिग्रस्त हो गई, बाइक भी चकनाचूर हो गई थी। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से थाने पहुंचाया। वहीं कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज।